नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसी नामी शायर की ये पंक्तियां गोरखपुर की मुस्लिम बेटी एमन जमाल पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, जिसके हाई स्कूल में मात्र 63% नंबरों से पास किया, लेकिन आज वो प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हो चुकी हैं। इससे पहले उनका चयन बिहार लोक सेवा आयोग में राजस्व अधिकारी के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने नियुक्ति नहीं ली। वर्ष 2019 में संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी, 499 रैंक के साथ उनका भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एमन जमाल का भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में चयन होने पर शुभकामना दी। उन्हें मुस्लिम लड़कियों के लिए रोल मॉडल बताया। आगे की स्लाइड में जानिए एमन जमाल का अब तक का सफर कैसा रहा। यूं चढ़ी सफलता की सीढ़ियां। शहर के खूनीपुर मोहल्ले की एमन जमाल ने प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक कार्मल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की। वर्ष 2004 में 63% अंकों के साथ हाई स्कूल और सन 2006 में 69% अंकों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। सेंट एड्यूज कॉलेज से जंतु विज्ञान विषय से 2010 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2016 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय से दूरस्थ माध्यम से मानव संसाधन में डिप्लोमा किया। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दिल्ली स्थित रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया हमदर्द में भर्ती हुई। वर्ष 2017 में उनका चयन केंद्रीय श्रम विभाग में हुआ। वर्ष 2018 में वो ऑर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर में सहायक श्रमायुक्त के पद पर नियुक्त हुई। कारोबारी हसन जमाल और प्राइमरी स्कूल शिक्षिका अफरोज बानो की बेटी एमन जमाल ने बताया कि आईपीएस पद पर चयन से पूर्व वह केंद्रीय श्रम विभाग में सहायक श्रमायुक्त के पद पर तैनात थीं। 2017 से ऑर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री में सहायक श्रमायुक्त पद पर कार्य करते हुए वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करती रहीं। 2019 में प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय से मुख्य परीक्षा दी। साक्षात्कार के बाद 499 रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमन जमाल से गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात की और सफलता की बधाई देते हुए कहा कि एमन अपने समाज विशेषकर मुस्लिम लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने एमन के उज्जवल भविष्य की कामना की। चाचा राशिद कमाल सामानी, जो कि प्रबंधक हैं MSI इंटर कॉलेज के, वे गोरखनाथ मंदिर में एमन जमाल के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भेंट वार्ता के बाद उत्साहित नजर आए। योजना धैर्य और सही मार्गदर्शन से मिलती है सफलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम लड़कियों का रोल मॉडल बताए जाने से उत्साहित एमन जमाल कहती हैं कि सफलता पाने का मूल मंत्र योजना धैर्य और सही मार्गदर्शन है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले को उन्होंने प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के टिप्स दिए। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए समसामयिक की तैयारी महत्वपूर्ण है। अखबार प्रतियोगी पुस्तकों के अलावा ऑनलाइन पढ़ाई महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन माध्यमों पर विश्वसनीय व गुणवत्तापक मैटर उपलब्ध हैं। जरूरत है सही मार्गदर्शन की, जो यह पता चले कि कौन सी नौकरी की जानकारी कहां से और बेहतर और कम समय में हासिल होगी। मुख्य परीक्षा के लिए सभी विषयों की स्तरीय पाठन सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने 2.5 साल में UPSC परीक्षा की तैयारी की और सफलता हासिल की। एमन जमाल ने पहली मुस्लिम IPS महिला बनकर गोरखपुर और पूर्वांचल का नाम रोशन किया। यह गोरखपुर के लिए जितने फख्र की बात है, उससे ज्यादा कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज को फख्र है। एमन ने इसी कॉलेज से इंटर किया। उसकी सफलता पर ढेरों शुभकामनाएं और मुबारकबाद देते हुए कॉलेज प्रबंधन ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा में चयनित शहर की एमन जमाल की कामयाबी पर कार्मल इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल सिस्टर सलीटा ने इन शब्दों में मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि एमन जमाल की कामराजी के उपलक्ष्य में MI कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मेयर सत्या पांडे ने एमन जमाल को नारी सशक्तिकरण की मिसाल बताया।
आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज डेक्स की रिपोर्ट। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।